बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सायरा फूड सीक्रेट्स। आज की हमारी रेसिपी की जाने बढ़ने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज की हमारी डिश का नाम है अचार गोश्त। अचार गोश्त बनाने के लिए हमारे पास चाहिए हमें एक 1 kg हमारे पास चिकन है जिसको हमने धो के साफ कर लिया है। और यहाँ पर मैं कोई भी रेडीमेड मसाला जो है वो यूज़ नहीं करने वाली हूँ। और यहाँ पर हमें चाहिए होगा कलौंजी, 1 स्पून कलौंजी, नमक और मिर्च, हल्दी, ये हमने हसब ज़ायका इस्तेमाल करनी है। 1/2 चम्मच जो मेरे पास तकरीबन हल्दी है। और यहाँ पे सौंफ, लहसुन, अदरक, इनका हमने पेस्ट बना लेना है बाद में। और यहाँ पे मेरे पास है मेथी दाना तकरीबन 1 चम्मच है, ज़ीरा है मेरे पास, यहाँ पे धड़ा मिर्च है और 3 अदर तकरीबन टमाटर है मेरे पास और 3 अदर जो है प्याज है और कुछ जो है यहाँ पे ग्रीन मिर्च वो पड़ी हुई है। और यहाँ अचारी चिकन बनाने के लिए हमारे पास मैंने ऑयल गरम करके तकरीबन 1 कप ऑयल डाल के उसमें मैंने प्याज जो है फ्राई कर लिया है। हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें थोड़ा सा ठंडा करेंगे हम इसको। और मैंने जो टमाटर काट के रखे थे वो ब्लेंडर में डाल दिए, इसके ऊपर प्याज डाल दिया, हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। प्याज ब्राउन हो गया है और इसको हमने अब ब्लेंडर में निकाल के टमाटर प्याज जो है हमने ब्लेंड कर लेना है ताकि हमारा मसाला जो है अच्छे से बारीक बने। हमने अब ऑयल गरम है हमारा और हमने चिकन डाल देना है। चिकन हमने ऑयल में फ्राई करने के लिए डाल दिया है और अब हमने इसमें ऐड कर देने हैं साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, मिर्च और हल्दी का पाउडर जो हमने रखा था उसको हमने डाल देना और इसको मिक्स कर लेना। हमारा चिकन देख सकते हैं अच्छे से फ्राई हो चुका है और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जो मैंने प्याज और टमाटर ग्राइंड करके रखी है उसको मैं ऐड करूँगी। प्याज टमाटर का मसाला जो हमने ग्राइंड कर लिया था उसको मैंने ऐड किया और यहाँ पे मेरे पास धड़ा मिर्च, ज़ीरा और जो है कुछ नमक मेरे पास है वो मैं उसको मैंने मेथी दाना था गरम मसाला और कुछ धड़ा मिर्च डालने के बाद हमने उसको ग्राइंड किए हुए टमाटर प्याज हमने डाल दिया। अब इसमें थोड़ी देर के लिए ढक देना और इतनी देर में मैं अपनी जो ग्रीन मिर्चें थी उनको मैंने दरमियान से और टमाटर प्याज डालने के बाद मैंने इसको कवर कर दिया और इतनी देर में मैं जो सब्ज़ मिर्ची है उनके दरमियान में मैंने कट कर दिया। और ये मसाला जो इसमें मैं फिलिंग करने जा रही हूँ इसमें मौजूद है मेरे पास सौंफ, धड़ा मिर्च और मेथी दाना और कुछ नमक मैंने डाला है। इसको हमने हाथ की मदद से हमने इसको मिर्चों में फिल कर देना है और यहाँ रख देना है और इसको हमने अपनी हांडी में एंड पे ऐड करना है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है व्यूअर्स, बहुत अच्छा मसाला रेडी हो गया है और सही क्रीमी क्रीमी इसकी शक्ल है। अब इसमें मैंने पक चुका है ये और इसमें मैं अब ये जो मिर्ची हमने इसमें मसाला भर के रखी थी इसको ऐड करके हमने कवर करके चूल्हा बंद कर देना है। सारी सब्ज मिर्ची जो इसमें हमने मसाला भर के रखा था, कलौंजी, सौंफ, मेथी दाना और ज़ीरा और कुछ नमक, ये चीज़ें हमने इसमें ऐड करके डाल दी हैं। अब इसमें थोड़ा सा हमने ऊपर से सब्ज़ धनिया डाल के इसको कवर कर देंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे हम। यहाँ हमारा अचारी चिकन जो है वो रेडी हो गया है। वीडियो पसंद आई है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।